ये संस्कृत शिक्षिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों मैं आपको अभी तक फिफ्थ चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और आपको ये बताती चली कि जल्दी ही आपके यूनिट टेस्ट सेकेंड स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका जो सिलेबस है वो है तृतीय पाठ और चतुर्थ पाठ। ये दो चैप्टर आपके, दो पार्ट आपके यूनिट टेस्ट में आ गए। तो ये मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ, यानी आपके यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो इसे बहुत गंभीरता से लें। पिछले वीडियो में मैंने आपको आम लहजा, जो चैप्टर है आपका तृतीय पाठ जो है आम लहजा, इसका मैंने अर्थ आपको पढ़ाया। तो अर्थ के बाद अब अनुप्रयोग यानी एक्सरसाइज, जिसे आप एक्सरसाइज कहते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, ये मैं सॉल्व कराती हूँ। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों जो है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखे। एक्सरसाइज फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आपने देखा
तो इस तरह से आप बहुत ध्यान से याद करें कि मुझे आंसर कैसे देना है, ठीक है। दूसरा है उष्ट्रः पुत्रमसति, उष्ट्रः पुत्र वसति। पुत्र मीन्स होता है कहाँ, उष्ण मीन्स वसति मीन्स रहता है, ऊन कहाँ रहता है। तो आपको पता है कि ऊन मरुस्थल में रहता है, यानी सिक्ता भवन, उसका संस्कृत शब्द क्या होता है, सिक्ता भवन। तो बस पुत्र की जगह आप सिक्ता में भूमो लेकर के बाकी शब्द वैसे ही उठाते हैं, उष्ट्रः सिक्ता भूमौ वसति, ठीक है। ऊन रेगिस्तान में रहता है। तो देखा आपने, सिर्फ एक शब्द बदलने मात्र से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा है वो भी लास्ट है, सा काम धारयति, वह क्या धारण करती है। तो आपको पता है वह माला धारण करती है, सा लालंती काम धारयति। बस काम की जगह आपने लिख दिया लालंती काम, वह माला धारण करती है या माला पहनती है। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों का उत्तर याद करना है, ठीक है बच्चों। आप देखिए एक्सरसाइज नंबर टू, एक्सरसाइज नंबर टू में दिया है कि कोष्ठक नीचे दिए गए वाक्यों में सामने दिए गए कोष्ठक से उचित शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो कोष्ठक में दो शब्द दिए हैं, उसमें से आपको एक शब्द चुन करके रिक्त स्थान पूरा करना है। तो पहला है अहम, अहम उर्विकाम, ठीक है। दो ऑप्शन दिए कोष्ठक में, धारयामि यहां पर आएगा उसमें से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, अहम उर्विकाम धारयामि। नेक्स्ट है तुम, तुम लालंतिकाम धारयसि। इसमें भी दो ऑप्शन दिए हैं, धारयामि और धारयसि, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों धारयसि। नेक्स्ट है उष्ट्रः सिक्ता भूमौ, उष्ट्रः सिक्ता भूमौ वसति ऑप्शन आएगा, ऊन रेगिस्तान में रहता है। दो ऑप्शन है वसामि और वसति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वसति, क्योंकि वसति एकवचन की क्रिया का, उष्ट्रः एकवचन का करता है। अगला है सुकस्त वर्णा हरिता, सुकस्त वर्णा हरिता। दो ऑप्शन दिए हैं लोहिता और हरिता, लोहिता में स्नान होता है, हरिता में स्नान, तो तोते का रंग हरा होता है, इसलिए यहां पर शब्द क्या आएगा हरिता। नेक्स्ट है अहम अश्वः, अहम अश्वः अस्मि। दो ऑप्शन दिए यहां पर अस्ति और अस्मि, तो अस्मि जो है बच्चों वो उत्तर पुरुष एक वचन की क्रिया है, ठीक है। तो यहां पर अस्मि आएगा, अस्ति नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिक्त स्थान ये पूरे हो गए हैं। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में धातुएं दी है,
और एक एग्जांपल दिया है उसको देख करके इन धातुओं की रचना करनी है, धातु रूपों की, जैसे पट का दिया है पठिश्याम पठिश्यावा पठिश्यामा ऐसे, तो सिर्फ बाकी इसी के अनुसार ही आपको ये सारी धातुएं जो दी है उसमें उत्तम पुरुष तीनों वचनों के क्रियापदों की रचना करनी है, जैसे लेखिश्याम लेखिश्यावा लेखिश्यामा, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा, तो इस तरह से आप इन क्रियापदों को पढ़े और याद, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों ये तृतीय पाठ का काम रिविजन कंप्लीट हो गया है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें, याद करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।